दुर्बल हेउछि सामुद्रिक झड़ असानी धीरे धीरे यह भीषण बात्यार रूप नेब डीप डिप्रेशन एवं डिप्रेशन में परिणत हो शक्ति शून्य हो असानी वर्तमान यह पुरी ठारु 590 किलोमीटर दूर में रही घंटा प्रति 12 किलोमीटर बेगर उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि परे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में रिकर्व कर उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे मुहांब स्थलभाग न छुई उपकूल समांतराल भाव में समुद्र भितर गति कर पानीपाग विभाग कहिछि बात्यार प्रभाव में ओडिशा उपकूलवर्ती किछि जिले में वर्षा आरंभ हो जाइछि। आज गंजाम गजपति एवं पुरी में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु जारी करा जाइछि येलो वार्निंग। काली पांचटी जिला गंजाम पुरी खोर्धा कटक एवं जगतसिंहपुर में मध्य प्रबल मध्यम वर्षा हो पारे। 12 तारीख में 6टी जिला पुरी जगतसिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा बालेश्वर और भद्रक जिले में वर्षा नहीं जारी करा जाइछि येलो वार्निंग। तेबे 13 तारीख रु वर्षा कमी जिवो बात्या प्रभाव में उपकूलवर्ती जिले में घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर एवं झटका पवन 60 किलोमीटर बेगर बहार संभावना रही। से गोपालपुर धामरा पारादीप एवं पुरी में 2 नंबर विपद संकेत जारी करा जाई। दुर्बल होउछि सामुद्रिक झड़ असानी धीरे धीरे यह भीषण बात्यार रूप नेब डीप डिप्रेशन एवं डिप्रेशन में परिणत हो शक्ति शून्य हो असानी वर्तमान यह पुरी ठारु 590 किलोमीटर दूर से बात्या असानी रही। अधिक आलोचना करवा आम सहित संदीप पटनायक पाणीपाग विशेषज्ञ जोड़ी होती श्रीजुक्त पटनायक आपको स्वागत करुच्ची। बात्यार रूपरेख वर्तमान किभली देखुं? मैडम नमस्कार। वर्तमान से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप से अच्छी अराउंड 100 रु 110 किलोमीटर पर आवर तार विंड अच्छी से नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर होउची 12 रु 11 रु 12 किलोमीटर स्पीड रे। वर्तमान से आंध्र कोस्ट सहित तो घसी हब आरंभ कलाणी कारण से आंध्र कोस्ट को बहुत क्लोज हो जाउची आ लागुची से जो टर्निंग टा नबा को चेष्टा करूची से आंध्र को भाईजाक पाखापाखी अलमोस्ट 50 रु 80 किलोमीटर दूर रे टर्न नबा को चेष्टा करूची आ जदि से सेते पाखरु जाके टर्न नबा को चेष्टा करिवो से पूरा मुड़ी परिवनी से पूरा टर्न हे परिवनी से घसी हबो कोस्ट लाइन सहित आ से परिस्थिति जदि से 24 घंटा ए टाइप रो कि 36 घंटा ए टाइप रो सिचुएशन रहूची तार आउरी शक्ति रो अवक्षय माने क्षय हबो तेणु वर्तमान प्रोजेक्शन लगुच जे 12 आफ्टरनून कि सकाळ सुधा कि लंच टाइम आड़क जो ओडिशा कोस्ट पाखापाखी हवा को चेष्टा करुची से बोधे अवपात कि ता तल स्टेज को आसी जाई पारे तेणु से कंडीशंस को आखि आगे रखिले जे आमर जो विंड रो इंपैक्ट कम लगुच किंतु वर्षा रो इंपैक्ट रहिबो नाती। उपकूलवर्ती जिला मानकर वर्तमान वर्षा आरंभ हो सारी एवं संध्या आज संध्यारु वर्षार परिमाण मध्य बढ़िबो बोली पानीपाग विभाग पक्षरु जो आकलन करा जायतिला मोटामोटी भाबरे जानिबा को चाहिबो वर्षार परिमाण केते रहिबो उपकूलवर्ती जिला मानकर पवनर बेग केते रहिबो कोन आपनकर आकलन? पवन रो बेग वर्तमान तो जहां हमें रखि आईएमडी रखिछि 50 रु 60 से अपर लिमिट ताटु कम भी रहि पारे किंतु वर्षार इंपैक्ट रहिबो। आज आमर जो साउथ कोस्टल आउ साउथ इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट मैंने आईएमडी रो जो आकलन अच्छी गजपति गंजाम से डिस्ट्रिक्ट गुरा मेजर रेन पाइबा आरंभ करिवे तापरे से जो प्रोग्रेस करिबो से सेंट्रल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो गंजाम खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर आउ मोर और लेस आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल जोटा आमर कहो 7 रु 11 सेंटीमीटर किंतु ओवरऑल ओडिशा भी वर्षा पाइला भाया सब संभावना रहुची। 13 तारीख पर्टिकुलरली आमर जो पिक टाइम टा रहिबो 10 तारीख मिडनाइट टू आरंभ करिकी 13 तारीख सकाळ पर्यंत सेइटा इंपैक्ट पीरियड रहिबो आ ओवरऑल ओडिसा लागुछि वर्षा पाइला भलिया किंतु ए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट पूरा बेसी वर्षा पाइल। आज्ञा गोपालपुर धामरा पारादीप पुरी ए सब जगह रे किबळी रहिबो विपद संकेत? नहीं मेनली जहां वर्तमान प्रोजेक्शन लगुच आम वर्षा पे ही कनसर्ण हवा विंड रिंपैक्ट जहां 50 रु 60 दिखाईटा लगुच मैक्सीम ताधिक गला भाया लगुनि किंतु वर्षार इंपैक्ट रहिबो कोस्टल ओडिशा रे वर्षार हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल आउ कंटिन्यूअस रेनफॉल ऑलमोस्ट आपणकर 10 राति रु नहीं कि 13-12 राति 13 सकाळ पंत रहिला भाया लगुच तेणु वर्षार इंपैक्ट मेजर इंपैक्ट रहिबो। आज्ञा प्रोफेसर पटनायक वर्षार इंपैक्ट कथा जो आपण कहउछंती केते दिन पर्यंत वर्षार इंपैक्ट रहिबो एवं पूरा पूरी भाबरे वर्षा केबे कम हेबो?
ବର୍ଷାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତେର ସକାଳୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର ଯୋଉ ସାଉଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଓଭରଅଲ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡା ବେଶୀ ରେନ୍ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ 13 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏସବୁ କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।